मतलब अभी यहाँ पे लास्ट में बुया कौन निकालेगा यहाँ से, तो अभी सारी टीम जो है यहाँ पे मतलब बुया के लिए जाएगी, क्योंकि सबसे तगड़ी टीम यहाँ पे जो है एलिमिनेट हो चुकी है। तो अभी देखते हैं गाइस कौन यहाँ से जो है बुया ले जाएगा यहाँ से। क्या लगता है अभी भाई, गेस करो एक टीम आपका कौन सा यहाँ से बुया ले जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे दी रिवेंजर्स के पास यहाँ पे मैन पावर कम है थोड़ा सा। वही अगर मैं देखूँ यहाँ पे टीम नंबर 10 जो कि साउथ सुपरस्टार्स है, अगर आई थिंक उनमें तीन बंदे बचे हुए हैं ना, देन आई थिंक उनका बुया हो सकता है। हाँ जी हाँ, मुझे भी लग रहा है रिवेंजर्स उनके पास में, क्योंकि जोन अभी अच्छा बन रहा है। और बाकी अगर ओ यहाँ पे नजर लग गई अनु वाइटी 5 किल कर चुके हैं भाई, 6 किल कर चुके हैं। क्या ही खेल रहे हो भाई अनु वाइटी, तुमने मतलब लिटरली इस बंदे ने दिल जीत लिया आज। नहीं 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 गेट भी नॉक कर दिया गया है अनु वाइटी। खेल रहा है ये बंदा, अनु अब वाइटी खेल रहा है। नहीं, अनु वाइटी से गेट पे ओ रिप्लेस। भूया भैया किसका हुआ? एक जसवंत आई जसवंत थिंक गेमर, दिस इज टीम ऑफ यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स हाँ सब यूट्यूबर्स कई टीम है मस्त इनके। ओपी। तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि यार एकदम मस्त होंगे। तो गाइस अभी हमारा रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ था फेबल्ड 4 कप Day 2 में। तो ये ना एक रैम्पेज का इवेंट था जिसमें गाइस सभी यूट्यूबर्स इनवाइटेड थे। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यूट्यूबर्स ने अपनी एक टीम बनाई थी यूट्यूबर को ही लेके। एंड यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी टीम जो कि यार SRV Elite है, जिसने यार इतने टूर्नामेंट भी खेले हुए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पहाड़ी जोंटी और अमित भाई और एक्समैनियन में थे, बहुत ही अच्छे अच्छे बंदे, और बोस की भी पूरी टीम थी। और भी यहाँ पर यूजी की गाय तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर थे जो कि आप यूट्यूब पे देखते हो। तो उनके बीच में गाइज हमने खेला। और गाइज मैं आपको बता दूँ, हमारा तो भाई पहला ये टूर्नामेंट था, हमने आज से पहले एक भी टूर्नामेंट नहीं खेला है। ऊपर से गाइज जो हमारी टीम में यूट्यूबर्स थे वो सब के सब अलग थे, SCS शिवम और जसवंत और मैं था स्टार बोर। और हमने अपनी टीम का नाम टीम यूट्यूबर्स रख रखा था। और गाइज हम जो यूट्यूबर्स है सब अलग अलग है, कभी भी एक साथ नहीं खेलते, अलग अलग तो होंगे ही, कभी भी मतलब एक साथ नहीं खेलते हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो एक दो दिन में खेल लेते हैं। वैसे हमने 2-4 दिन ही प्रैक्टिस करी थी, और भाई आप सभी को है 2-4 दिन में तो क्या ही होता है। फिर भी गाइस हमने अच्छा ही खेलने की कोशिश करी है, और वैसे भी हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी हमने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करी। तो अभी आप खुद देख लो। मारो 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 ओ तो उसको हेड दिया था मैंने भाई, नेड बड़ा बहुत हो गया। कोई नॉक हुआ भाई? यहीं पे रहना, मैं नीचे जाता हूँ। वापस पड़ा, आ रहा है एक, नीचे आ रहा है, रश कर रहा है। हाँ हाँ, टेंशन नहीं टेंशन नहीं। एक नॉक ग्रेनेड से नॉक अंदर। नाइस 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 नाइस, रश रश। खत्म। सुदीप सरकार को ठीक किया साहिल भाई ने। नाइस नाइस नाइस। और कोई है? उधर है, जल्दी चलो जल्दी। देखो देखो मार्क आया मुको का, देखो। चलो सभी ओ तेरी हेड लग गया बोर्ड पे, करता वन टैप। बचा बचा मेरे को, जल्दी से बच जाऊंगा। कवर मुंह कवर मुंह कवर मुंह, बहुत कॉपी बहुत कॉपी। SCS भाई रश करेगा, रश करेगा, देखना वो भाग रहा है, रश नहीं करो। कैसे भी वर्क किया ये, देखो ये आ गए, बहुत बढ़िया। सामने बंदा मेरे, लग रही है यहाँ पे यूट्यूबर्स और साउथ इंडियन तो हुई गई, मुझे भी मस्त लगी वो, मस्त लगी। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, अगर स्टार्टिंग में एलिमिनेट हुए ना तो यहाँ पे थोड़ी सी हाँ। दिक्कत, क्योंकि स्कोर पता है ना बहुत ज्यादा गैप नहीं है, एक जंप आया पीछे से और वो टॉप 6 से खिसक सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनपे ध्यान रखना पड़ेगा उनको। और यहाँ पे ओवर पावर के पास में भी अभी भी चांस है, जो ओवर पावर अगर यहाँ से बुया या फिर अच्छे किल्स के साथ में टॉप 3 के साथ में फिनिश करती है तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। आप यूट्यूबर टीम जाने वाली है, स्टार ने यूट्यूबर को फिनिश किया और
ये आई थिंक यूट्यूबर के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की चीज होगी, क्योंकि अभी तक वो फाइट में बने थे टॉप 6 कंटेंडर के लिए, लेकिन अगर अभी एलिमिनेट हो जाते हैं ना, जसवंत को यहाँ से निकलना ही होगा, कुछ करके सर्वाइव करना होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में एलिमिनेट हुए तो शायद यूट्यूबर क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अबे अबे बंद करो गेट, बंद करो, बाहर काम कर रहे हैं। भाई 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 कुछ 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 मेरे को तो बस यार काम करो यार। और लूजर वो नहीं जिसने खुद की मर्जी से अपनी उम्मीद तोड़ दी, कि लूजर वो नहीं जिसने खुद की मर्जी से अपनी उम्मीद तोड़ दी, लूजर वो है जिसने दुनिया की सुनकर कोशिश करनी छोड़ दी। सो गाइज, आपने पिछली क्लिप को देखा होगा, मैं वहां पर बोल रहा हूँ कि बंद करो, बंद क्या करो, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई गेट को बंद करो। जब मैं उन एनिमी को मार रहा था तो मेरे घर वालों ने गेट को खोल दिया, तो इस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा चांदना हो गया जिस वजह से मेरे को कुछ दिखा नहीं और मैं ऐसे ही फायर करने लगा। आप पिछली क्लिप को जाके देख सकते हो। तो यार कहीं कहीं पे तो मेरा इंटरनेट ने मेरे को धोखा दे दिया, और यार मेरे घर वाले भी इसको कुछ समझते नहीं है भाई, क्या टूर्नामेंट क्या नहीं। तो आगे से मैं मतलब पूरा ध्यान रखा करूँगा, अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही जल्दबाजी में खेलने लगा बिना बताए, तो उस वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर भी गाइस हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। पहला टूर्नामेंट था भाई एसआरवी एलीट के आगे, हमने उनके सामने एक बुइया भी निकाला, और गाइस हमने थर्ड नंबर पे आके क्वालिफाई भी किया। और जब गाइस हमारा फाइनल हुआ था वहां पर हमारी टीएसजी आर्मी और बहुत सारी एसआरवी एलीट बहुत सारी अच्छी अच्छी टीमें आई थी, तो उसमें गाइस उस टूर्नामेंट के अंदर जो टीएसजी आर्मी थी वो इस टूर्नामेंट की विनर रही है। तो भाई उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। एंड गाइस, ग्रीना फ्री फायर की तरफ से मेरे को यहाँ पर रैम्पेज इवेंट के कुछ आइटम्स मिले हैं। कटाना मिली है जो कि आपको लक्की व्हील के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ बंडल मिले हैं जो कि रैम्पेज इवेंट के अंदर आने वाले हैं, एंड ये बंडल तो फेडेड व्हील के अंदर आ भी चुका है। और गाइस ये बैकपैक मिला है जो कि यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये आपको टॉप अप इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये बैकपैक 100 इन लॉबी है, मतलब कि आपको इन लॉबी के अंदर भी दिखता है। और यहाँ पर मुझे M60 की स्किन मिली है जो कि इनक्यूबेटर के अंदर आ चुकी है। अगर आप इनको निकालना चाहते हो तो आप इन सबको डायमंड से निकाल सकते हो।